A very warm good evening, my lovely kids. This is Dr. Vani, and on behalf of Vedanta Biotonic, India's truly most trusted and most loved bio channel, I welcome you all to today's session. बहुत बार जिंदगी में ऐसा होता है कि आपको जिंदगी एक और मौका देती है टू रिक्लेम व्हाट इज राइटफुली योर्स. वो मौका मेरे सारे बायोटोनियंस के पास, भले वो क्लास 11th, 12th और 13th के हो, आज है. आज 2 मार्च 2021 को मैं प्रण करती हूँ कि अगले 40 दिनों में मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको सारे 11th का सिलेबस एक बार पूरे के पूरा दोबारा करवा दूं, ताकि आप लोगों का 11th का सिलेबस बहुत अच्छी तरह से हो जाए मैनेज. और 15th अप्रैल के आसपास मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपका क्लास 12th कर दूं. अगर मैं आपके सारे टॉपिक्स ना भी करवा पाई तो एटलीस्ट मैं 85-90% ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करवा दूंगी, और बचा हुआ पोर्शन मैं आपको क्लास 12th के साथ साथ रिवाइज कर दूंगी. So please for the next 40-45 days or the next 35-40 days, commit yourself to this channel. Become a part of We Biotonic because we are going to launch a war. Are you in this with me? Yes? Are you in this war with me? So we are going to be launching a war on NEET 2021. This is the comeback kid aap hai, and this is comeback time for all my lovely mascots. रोज के रोज शाम को 5 से 6, आप कितने भी कठिन परिस्थिति में क्यों ना हो, आपका कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, आपको रोज शाम को 5 बजे यू गॉट टू बी देयर विद मी. हम करेंगे आई एंड ईयर से आज, आई एंड मो से आज क्लास शुरू, बट एवरी सिंगल डे वी गोइंग टू बी डूइंग द थ्योरी इन अ लॉट ऑफ डेप्थ. डन, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो दिस इज बायोलॉजी, आई एंड ईयर, सेंस ऑर्गन्स. शाम को मैं प्रैक्टिकल्स की बात करने वाली हूँ फॉर माई क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स, की कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो प्रैक्टिकल्स में नहीं करनी है, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो प्रैक्टिकल्स में किए बिना जाना नहीं है, ताकि फुल मार्क्स आ सके. कल सुबह फॉर ऑल माई मैस्कॉट्स, मैं सुबह शाम रात दिन सिर्फ एक चीज के लिए काम कर रही हूँ कि कैसे आप लोग पढ़ सके. सो टुमारो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. आज मुझे हर एक आपके स्टेटस पे, हर एक जगह, गाइस उस थॉट को इंटरनलाइज करो कि भैया कम बैक करना है. क्लास 11th का पूरा सिलेबस अगले 40 दिनों में हम करेंगे एक साथ बैठकर. डन, यस, एंड देयर इज नो स्टॉपिंग नाउ. कोई हमें रोकेगा नहीं, कोई हमें टोकेगा नहीं, कोई कुछ नहीं. रोज शाम को टाइम नहीं चेंज हो सकता बच्चे, बिकॉज इसके बाद 6:30 बजे से मेरी रेगुलर क्लासेस होती है, तो टाइम तो यही रहेगा. एंड हम रोज के रोज हम मिलेंगे शाम को 5 बजे, और पूरे का पूरा सिलेबस का कम बैक करेंगे. 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनटी ऐप से लेकर आ रही हूं. अगले 4 या 5 दिन में आने वाला है बेटा जी आपका टाइम रिलीज होने वाला है. तो 12th के बच्चे भी और 13th के बच्चे भी, जो 11th के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, और 11th वाले बच्चों तुम्हारे लिए तो एक महीने में क्रैश कोर्स है ये क्लास 11th का. यस, इज दैट क्लियर एवरीवन? बता दो मुझे, यस मैम, इज दैट क्लियर एवरी सिंगल वन ऑफ यू? और मुझे प्लीज, आई वॉन्ट दैट जोश, आई वॉन्ट दैट एनर्जी, आई वॉन्ट दैट होप इन द क्लास. यो, आई वॉन्ट अ यो. यस, परफेक्ट. ये हुआ ना जोश, ये हुई ना एनर्जी, ये हुआ ना जील, ये हुआ ना एंथुसियाज्म. चलो कल मैं कराऊंगी ईयर एंड टंग, और परसों ले लूंगी इसका टेस्ट, मतलब थ्योरी टेस्ट. कल मैं कराऊंगी ईयर से क्वेश्चन आएंगे आई से, तो मैंने क्या किया, एक टफ एक इजी. आई से क्वेश्चन आते हैं, नो थोड़ा सा इजी है. कल मैं आपको पूरे का पूरा ईयर बैलेंस सब कुछ कराऊंगी, ऑटोलिथ ऑर्गन्स ए टू जेड रगड़ देंगे हम चैप्टर, उसके बाद जाएंगे टंग, राइट? एंड कल क्लास 12th लैक ओपेरॉन, पूरा लैक ओपेरॉन. Yes, concept को रगड़ देंगे. कल मैं आपको करवाऊंगी लैक ओपेरॉन, मतलब अब हमने concept का, मतलब जिसे कहते हैं ना यार लंका लगानी है, concept रगड़ने हैं. We have to do this. Telegram group हमारा join कर लीजिएगा, Biotonic for NEET हमारा Telegram group है. क्या नाम है Telegram group का? Biotonic for NEET toppers. तो मैं आपको बनाकर छोड़ूंगी. चलो चक दो फट्टे, उठा लो कॉपी, उठाओ कॉपी, चलो 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 मेरे साथ उठाओ, गेट योर कॉपीज आउट. एंड अब जो मैं नोट्स बना रही हूँ, फाइनल एग्जाम स्टार्ट कर दो, तो भले ही 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, 13th में हो, कहीं भी हो, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. सेंसरी रिसेप्टर्स, इसे कहते हैं सेफलाइजेशन, जो हायर ऑर्गेनिजम्स में शुरू हुआ कि सेंसरी ऑर्गन्स आपके हेड वाले एरिया में आ गए, इसे कहा जाता है सेफलाइजेशन. राइट दिस डाउन, एनिमल किंगडम का वर्ड है, एमसीक्यूज में आ सकता है, और एमसीक्यू में बहुत बार आया हुआ है. फॉर्मेशन ऑफ हेड, सेफलाइजेशन, सेफेलिक वर्ड, इसलिए हेड के लिए यूज किया जाता है. सेंसरी रिसेप्टर्स आर विद इन लार्ज कॉम्प्लेक्स सेंसरी ऑर्गन्स इन द हेड. All the sensory organs start to get accumulated at one place, and that is referred to as the cephalization. Smell is in the olfactory organs, sight is in the eye,
hearing and equilibrium, another very important word जिसको हम balance भी कहते हैं. Semicircular canals is in the ears and taste is in the taste buds. इस एक process को हम, let me write this down for you, gustation भी कहते हैं. So whatever extra points, I'm going to give you time to write everything down on your screens. There we go. Done, everybody. चलिए, open your copies, write this down. Whatever I'm doing, बाकी बच्चों का होता रहेगा साथ के साथ. Revision. चलो चलते आगे. Accessory structures of the eye. So before I actually move on to the eye, eye के आसपास eyebrows होते हैं, eyelashes होते हैं. So what are the accessory structures? Along with it, extra structures. So the accessory structures of the eye include the eyelids. Accessory का मतलब होता है extra. Now, extra information भी आपको मिलना शुरू हो जाएगी. Everybody, pin drop silence in the class. यार कैसी क्लास है जब अटेंडेंस ही मार्क नहीं करी है? लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, अटेंडेंस मार्क नहीं किया, कट्टी. चलो राइट नाउ एवरीवन ऑन द स्क्रीन, कम बैक विद वेदांतु के लिए. अपनी हर एक कम बैक किड अपनी अटेंडेंस मार्क करेगा विद वन बिग लाइक. कम बैक किड्स, मार्क योर अटेंडेंस. सो इट इंक्लूड्स द आईलिड्स, और आईलिड्स के ऊपर होते हैं आई लैशेस. आई लैशेस आर मेड अप ऑफ हेयर, आपको पता है, और हर एक हेयर के नीचे ऑयल ग्लैंड होता है. डू यू नो दिस? हर एक हेयर के नीचे ऑयल ग्लैंड होता है. इस ऑयल ग्लैंड ऑफ द आई का नाम होता है मियोबियन ग्लैंड्स. मियोबियन ग्लैंड्स, और जब इनको ये ब्लॉक हो जाते हैं, इनकी डक्ट जिनसे ऑयल निकलता है, जब ये ब्लॉक हो जाती है, तो इसी को आई स्टाई कहा जाता है. So you have eyelids, eyelids पे होते हैं eyelashes, eyelashes are hair, hair के नीचे होता है oil glands, right, which are referred to as the meibomian glands, skin में भी होते हैं, पर eye के नीचे जब होते हैं तो इनको meibomian glands कहा जाता है. Cephalization is the formation of head, right everyone, और इनकी ही inflammation कहलाती है swelling. There are eyebrows. There is the lacrimal apparatus. इसको अगली स्लाइड पे मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में लिखा है. This is the tear producing gland. Full attention in my class now. Right, and extrinsic eye muscles. Eye के ऊपर की मसल होती है superior oblique, नीचे की मसल होती है inferior oblique, बीच की तरफ की मसल होती है you know medial rectus, side की मसल होती है lateral rectus. So you do have oblique muscles, superior and inferior oblique, and you have the rectus muscle. Rectus muscle. Lacrimal gland होता है जो tear produce करता है. Extrinsic muscles होती है, and eye is in this area. This area जो eye को protect करता है is referred to as the orbit. Orbit is also an MCQ question. इससे ज्यादा एक word कहीं से नहीं पढ़ना है. That is my promise to you. जितना वाणी मैम ने आपको इन एक महीने के क्लास 11th के क्रैश कोर्स में करवा दिया, उसके अलावा आपको कहीं से कुछ नहीं पढ़ना है. ये मेरा आपसे प्रॉमिस है. मैं अगले एक महीने में आपको फुल 11th रिवाइज करा दूंगी. यू कैन नॉट बी मिसिंग इवन वन सिंगल डे. राइट, तो अभी तक आपको मसल्स याद रखनी है, आपको मियोबियन ग्लैंड्स याद रखना है, आपको लैक्राइमल अपेरेटस करना है. आते हैं आगे. आईलिड जो है आपकी, इट इज कंपोज्ड ऑफ फोर लेयर्स. लिड्स, आईलिड्स, राइट. स्किन थिनेस्ट ऑफ द बॉडी में यहां होती है, लिड की आउटर सरफेस को कवर करती है. मूव आईलिड्स मूव बिकॉज ऑफ द मसल्स. सो आईलिड्स की जो मसल्स होती है, आई की मसल नहीं, आई बॉल की मसल नहीं, आई बॉल की मसल जो होंगी, राइट, आई बॉल की मसल्स आपकी ऑब्लिक और रेक्टाई मसल होंगी. बॉल की मसल आपकी रेक्टाई और ऑब्लिक मसल्स होंगी. Eyelids, eyelids, eyelids की muscles होंगी. Orbicularis oculi. This is nervous system chapter, beta. Jeez. Write everyone. Action potential, neuromuscular junction. एक एक चीज मैं आपको करवा दूंगी. Eyelids include the orbicularis oculi. लिखिए, PDF आपको मिल जाएगा. Eyelids की muscles होंगी orbicularis oculi. And levator, palpebrae superioris. Levator, अगर आपने Harry Potter देखा है, वो levator होता है. So levator is nothing but the one which elevates the eyelid.
राइट, नो लेट कमिंग हियर, आई हैव मार्क्ड योर अटेंडेंस, आप लेट हैं आज की क्लास में, अंडरस्टूड? सो आईलिड्स की मसल्स कैन कम एज अ एमसीक्यू क्वेश्चन, कैन कम इन योर KVPY, ऑर्बिक्युलरिस ऑक्युलाई एंड लेवेटो पैल्पेब्रिस सुपीरियोरिस, इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है LPS. अगर मैं आपको बोलूं कि आप मुझे आई बॉल की मसल्स बताइए तो आप मुझे बताएंगे यस, सुपीरियर ऑब्लिक, इंफीरियर ऑब्लिक, मीडियल रेक्टस एंड लैटरल रेक्टस. आइए, सो ये मसल क्या है आपकी, ऑर्बिक्युलरिस ऑक्युलाई, इट्स अ आईलिड मसल. यू हैव आईलैशेस जहां मैंने आपको मियोबियन ग्लैंड्स लिखवाए हैं. लेट्स कम टू द कॉर्निया, कंजंक्टिवा एंड द टार्सल ग्लैंड्स. चलिए, कैन यू सी द मसल सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, सुपीरियर ऑब्लिक, इंफीरियर ऑब्लिक? ऑब्लिक एंड रेक्टस जो मसल्स है बेटा जी, वो किसकी मसल्स है? ऑब्लिक एंड रेक्टस मसल्स आर मसल्स ऑफ द आई बॉल. लेट्स रिवाइज करते चलेंगे. डिड आई टेल यू अबाउट सेंसरी ऑर्गन्स? यस मैम. डिड मैम टेल यू अबाउट सेफलाइजेशन? यस मैम. उसके बाद क्या मैम ने ऑर्बिट वर्ड बताया? बिल्कुल मैम ने आपको ऑर्बिट वर्ड बताया, ये सारी चीजें बताई. क्या मैम ने आई लैशेज में आपको मियोबियन ग्लैंड्स बताए? यस, डिड टेल यू. इसी बात पे हो जाए बड़ा सा लाइक. एवरीबॉडी मार्क योर अटेंडेंस. उसके बाद हम आते हैं आईलिड किसकी कंपोज्ड होती है? चार लेयर्स की. सबसे बाहर स्किन, फिर मसल, फिर कनेक्टिव टिश्यू और कंजंक्टिवा. क्या बचपन में मेरे सारे बच्चों की आईज रेड कलर की हुई है? डिस्टल वाटर क्लियर? राइट. एंड बेटा दिस इज कम बैक किड, आर यू रेडी टू डू कम बैक विद वेदांतु? राइट. क्या आपकी आईज रेड हुई है और बहुत जला है और सुबह जब उठे हो वो चिपक गई आईज? दैट वॉज कॉल्ड कंजंक्टिवाइटिस. सो व्हेन यू गेट अप यू आर स्लीपिंग एंड द आईज हैव गॉट स्टक एंड टू ओपन देम, ओ माय गॉड, वेरी वेरी पेनफुल टू ओपन देम. यस और नो? That is called your conjunctivitis. I want everyone on my screen to make sure that you are liking, sharing, subscribing, becoming a part of BioTonic. Connective tissue and conjunctiva. Connective tissue mein aate hain tarsal glands. That is one more type of meibomian glands. Let me tell you something super amazing. Super se bhi upar amazing. Thoda time lag jayega, but aapko feel aa jayegi, guys. Let me tell you something super amazing. Make a diagram with me. Chalo, Vani ma'am ke saath, I want you to make a diagram with me. I will tell you something jo maine aapko aise kabhi bhi ye wala aise nahi padhaya hai. So let's go. This is what I do in my regular classes. Hamesha maine ye concept bataya. Aaj aapki bari. ये कॉन्सेप्ट समझने की. सो एनीथिंग विच इज क्लोज टू द मिड लाइन इज कॉल्ड मीडियल, एनीथिंग विच इज अवे फ्रॉम द मिड लाइन इज कॉल्ड लैटरल. तो इस लैटरल साइड में ये जो ग्लैंड है, बिकॉज दिस इज अवे फ्रॉम द मिड लाइन, दिस इज अ लैटरल साइड, दिस पर्टिकुलर ग्लैंड इज रेफर टू एज योर लैक्राइमल ग्लैंड. व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड योर लैक्राइमल ग्लैंड. Yes everyone on my screen, ये lacrimal gland tear secrete करता है. What does it secrete? Through the lacrimal ducts, these are tears. Now let me draw eyelashes. And these eyelashes at their base, everyone full attention copy with me. यहां है tarsal glands, meibomian glands, और ये secrete कर रहे हैं oil. तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो ऊपर वाला margin है, इस मार्जिन पे डू यू हैव टीयर विच इज एक्वस मिक्स्ड विद ऑयल? डू यू हैव टीयर विच इज एक्वस मिक्स्ड विद ऑयल? बिकॉज द टीयर इज सिक्रीटेड बाय द लैक्राइमल ग्लैंड एंड द ऑयल इज सिक्रीटेड बाय द टार्सल ऑब्लिक द मियोबियन ग्लैंड. एवरीबडी हु गॉट इट, वन हार्ट ऑन माई स्क्रीन प्लीज, फटाफट मेरे चुन्नू मुन्नूस. एवरीबडी हु गॉट द कॉन्सेप्ट, वन हार्ट ऑन योर स्क्रीन प्लीज. वानी मैम कैन नॉट स्टैंड फॉर लॉन्ग, पैर टूटा हुआ है, जल्दी करिए. राइट, यस, डन. नाउ यहां पे होगी आपकी आई लैश. व्हाट विल इट बी? आई लैश. एंड व्हाट डू द आई लैशेस डू आफ्टर सम टाइम? डू द आई लैशेस ब्लिंक आफ्टर सम टाइम? Again, if you think the eyelashes blink, I want a yes on my screen. So when my lovely kids, the eyelashes are going to blink, will the oil and water layer cover the eye? I repeat again. Jab eyelash blink karegi, kya wo patli si ek film bana degi aankh ke upar?
Say yes or no. When the eyelash is going to blink, will it form a very thin film of water plus oil on the eye, which will prevent drying up? Iski wajah se eye dry nahi hogi. Eye is not going to get dried up. Is that clear? Every single one. Did you understand why do we have the meibomian glands there? Aaya samajh mein? Main aapke sare concepts crystal clear. Feel aa gayi? Zoology ki zeal aayi? Kitne bachcho ko zeal aayi? Aaj comment section mein likhna padega. Done. Amazing, huh, guys? Super duper amazing. Aage zeal. Perfecto. Giletto, Villetto. Perfect. Distilled water clear. अरे यार मैं क्या botany, क्या zoology? अब सोचो आज क्या today भी day one. आपकी 11th का day one मान ले. बेटा bunk नहीं करना अभी. Day one. Day 30 को देखते हैं आपका और मेरा कितना concept clear होता है. क्या कहते हो? Done? आज सिर्फ day one है हमारा. अब हम day 30 को मिलेंगे और देखेंगे भैया. डन? क्या कहते हो? यस, परफेक्ट. चलो फिर अब समझ आया. लैटरल में और ये है आपका मिडलाइन, इसे मीडियल कहा जाता है. अब एक और चीज बता देती हूं मजेदार. कितनी बार टीचर ने आपको, पेरेंट्स ने आपको शर्मिंदा कर दिया है? बता दो, चलो सच बता दो. कुछ कह दिया और वो दिल में चुप गया, हुआ है? मैंने तो अपना हाथ भेज, होता है. किसी ने कुछ कह दिया, अच्छा नहीं लगा, यस, चुप गया दिल में. किसी ने कुछ गलत कह दिया, क्यों कहा? यस, सबके सामने हो, किसी ने कुछ गलत कह दिया. टीयर तो है, लैक्रिमल ग्लैंड है, टीयर बनाएगा. तो यहां बना लेते हैं, ये आपका लैक्रिमल ग्लैंड, इसने बना दिया टीयर और वो टीयर आई में इकट्ठे हो गए, टीयर बना देते. राइट, सबके सामने कुछ कह दिया और आप क्या करोगे? अब सबके सामने रो भी नहीं सकते. सच बताओ, बहुत बार हुआ है सबके साथ हुआ, अब सबके सामने रो भी नहीं सकते. व्हाट, ऐसे करते हैं ना, करते कि नहीं करते? मंदिर जाते हैं, कुछ बोलते हैं भगवान को, गुरुद्वारे जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, राइट? अब बेटा कितनी बार हुआ है कि वो टीयर इधर आके रुक गया है? सिनेरियो वन, सीन वन, वो टीयर इधर रुक गया. सीन वन, मैंने लिख दिया सीन वन. इसको मिटाई देती हूं. बहुत फील, तौबा, मेरा पेन, बहुत फील आने वाली है. आप देखो फील आते हैं, फील क्लास में फील तो आनी चाहिए भाई. टाइम कितना हुआ है? बहुत टाइम है, बहुत टाइम आपने. नेजो लैक्राइमल डक्ट, नाक और कान के लिए लैक्राइमल ग्लैंड, ठीक है? डन, ठीक है मैम, परफेक्ट. तो बेटा हुआ ये, बड़ा ही सिंपल चीज है. आंसू आया, इधर रुक गया, सीन वन. और ये नाक कहां से शुरू होता है? यहीं से, ऐसे. तो डक्ट यहीं से शुरू होगी. अब बेटा सेकेंड टाइम क्या होगा कि यस, मोस्ट ऑफ द टाइम यहां रुक जाता है. आप करोगे, अब रोक नहीं सकते उसके सामने, किसी अनजाने लोग हैं उनके सामने रोके बेइज्जती हो जाएगी. तो अपने आंसू आप ऐसे से करके रोक दोगे. सेकेंड राइट झलक जाएगा. सीन टू. और अगर कई बार ऐसा होगा, बहुत हर्ट कर दिया किसी ने, बहुत ज्यादा हर्ट किया, होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होता है, राइट? किसी ने बहुत गलत बोल दिया, बहुत हर्ट कर दिया, तो रोए, बहुत रोए, अपने मन की भड़ास निकाली. सीन थ्री, नाक भी भर गया. आफ्टर सम टाइम हैंकी वगैरह लेना पड़ता है. सो बेटा आप अगर सोच रहे हो, आपके रोने के लिए नहीं बना, ये आपके रोने के लिए नहीं बना, पर आप सोच रहे हो कि यार मेरे, मतलब अगर मैं रोज ऐसे करूंगी, ब्लिंक करूंगी, लैक्रिमल ग्लैंड किसके साथ मिक्स करेगा? प्लस ऑयल. ब्लिंक करोगे आप
तो वो आई को कवर करेगा, आई के ऊपर एक फिल्म बनाएगा जो आई को प्रोटेक्ट करेगी। तो बेटा ये जो फ्लूइड है आई में, जो फ्लूइड है ये यहां से नीचे चला जाएगा। दिस हैपन्स नॉर्मली, नॉर्मल जो फ्लूइड है वो यहां से नीचे चला जाएगा और नोज से आउट म्यूकस के साथ, इसलिए नोज में भी म्यूकस आता है। पर जब आप रोते हो, कितनी बार हुआ है कि रोने के बाद नाक भर गया है, डिड यू अंडरस्टैंड स्क्रीनशॉट, कितनी बार हुआ है? बिकॉज अगर यहीं तक रुक गया दैट मीन्स वो नोज में चला गया। सीन वन इट इज गोइंग टू द नोज, सीन टू इट इज, बट इट इज कंट्रोलेबल, आई एम राइटिंग इट, इट इज कंट्रोलेबल। सीन टू इट इज गोइंग आउट, इट इज ड्रिपिंग बिकॉज यहां पर भर चुका है, यहां भर गया, इट इज फुल, तो ड्रिप कर जाएगा। एंड सीन थ्री इज वेन द नोज इज ऑल्सो, देयर इज एक्स्ट्रा, जो रोने के बाद आप देखते होंगे कि आपको नोज भी ब्लो करना पड़ता है। सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस इंटायर थिंग? यस, लीजिए स्क्रीनशॉट। डिड यू अंडरस्टैंड what is important from neat point of view is the nasolacrimal duct, is the lacrimal gland, is the oil and the protection. But to understand it, you need to understand this entire thing. Did you understand? So neat point of view, the lacrimal gland, the meibomian tarsal glands, the nasolacrimal duct, the lacrimal pump tongue. I'm going to show you, this diagram is very important. This is important to understand why the nasolacrimal duct is there. This is important from MCQ point of view. This is important from understanding point of view. Agar aise nahi batayenge, to we will not be able to understand it. Is that clear? Make a heart, guys. You are not done. Aapne abhi tak apne channel ko like hi nahi kiya hai. Distal water clear? Done? अब पता चला रोने के बाद सर्दी क्यों होती है? Why does your nose get obliterated? Did you understand that? Why does your nose get obliterated after you cry? I'm erasing it. I hope everybody has copied it. Right, let's move forward to the nasolacrimal duct. ये आपको पता चल गया, conjunctiva is the covering. Every time you touch your eye, it is moist. Yes or no? Every time just touch your eye, it is moist. So that moist covering over the entire eye, the mucous membrane which covers and protects the eyelid and the eyeball is called conjunctiva. Inflammation of the conjunctiva is called as conjunctivitis. Itis means inflammation. Inflammation of the middle ear is called otitis. Inflammation of the larynx is called laryngitis. Inflammation of the nose is called rhinitis. Right, everyone? So inflammation of the conjunctiva is called conjunctivitis, which is basically a bacterial infection. Now let's come to the lacrimal apparatus. I'm not explaining it, but I'm 110% sure aap sabko samajh mein aa gaya hai. So number one part, the lacrimal apparatus is not medial. Number one question, beech midline ki taraf nahi hai. The lacrimal apparatus, the lacrimal gland is lateral. It is lateral, side mein hai, lateral. Ye lacrimal ducts hai jinse aapka tear aayega. Now here are the punctums, the small parts which drain the fluid. Upar wali tube ko superior kahenge, inferior ye lacrimal sac hai, and this is the most important part, nasolacrimal duct, jisse wo nose mein aa gaya hai. Is that clear? It is lateral. It is an MCQ question, midline mein nahi hoga. Tears collect honge tube se, jinko canaliculi kehte hain. Right, collects from lacrimal duct and nasal cavity mein empty karta hai. MCQ question. Did you understand the entire flow chart now? Favorite dish, beta, screen is not blur. Done. Our school teacher never taught in this way. Thanks, Amar. No worries. Is that clear, everyone? Chali, eyes. Now, I have told you that today, one and next 30 days, we are going to rocket structure of the eye. Pe every single thing in the eye. In the next 20 minutes, eye is going to become crystal clear. Crystallized clear. ठीक है? चकदे पट्टे, चले आगे. सबसे बाहर की covering, सबसे बाहर की covering क्या है? Sclera. Protective है. It is protective. Thick, hard, protective covering. Like a polythene cover. Like total hard, thick, protective covering. Very important MCQ question. Protective है, thick है, hold करके रखती है, fibrous है, लिखो. It is a fibrous covering. It is जो आपकी आपकी books हैं, book के बाहर जो hard bound है,
जो कवर है राइट इट इज कॉल्ड द स्क्लेरा आफ्टर दैट यू रिक्वायर बिकॉज इट इज अ लिविंग स्टफ यू रिक्वायर वैस्क्यूलर सप्लाई द वैस्क्यूलर कवरिंग इज कॉल्ड द कोरोइड व्हाट इज अ वैस्कुलर कवरिंग कॉल्ड राइट इट डाउन राइट नाउ द वैस्कुलर कवरिंग इज नॉट ब्लर्ड अपने मुझे तीन डॉट्स आ रहे हैं ना अपने यूट्यूब पे उनको क्लिक करके अपना यू नो सी योर इंटरनेट कनेक्शन कोरोइड और इनर मोस्ट जो नर्वस है दैट इज रेफर्ड टू एज रेटिना सबसे पहले आपको ये तीन चीजें क्लियर हो जानी चाहिए सारे बच्चों को क्लियर है सो यू हैव स्क्लेरा व्हिच इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग व्हिच इज वेरी थिक यू हैव द वैस्कुलर कवरिंग कॉल्ड कोरोइड एंड यू हैव रेटिना व्हिच इज योर नर्वस कवरिंग हार्ट बना दो राइट नाउ ऑन माई स्क्रीन अब बी हियर राइट ये जो आपका कोरोइड है बेटा ये जो आपका कोरोइड लेयर है जो वैस्कुलर लेयर है ये कोरोइड लेयर जब आगे आ रहा है तो ये थिक बन रहा है ये कोरोइड लेयर जब आगे आ रहा है तो ये थिक बन रहा है विच इज रेफर टू एज द सीलियरी बॉडी इट इज रेफर टू एज द सीलियरी बॉडी बना दो हाथ कोरोइड की लेयर जब आगे आ रही है तो वो थिक हो रहा है जिसे मैं सीलियरी बॉडी कहती हूं प्लीज फॉलो माई ब्लैक पेन क्या सीलियरी बॉडी में आपको ये ब्लैक कलर का ऐसे ऐसे नजर आ रहा है क्या ये कहलाते हैं बेटा किसी बुक में नहीं लिखा इतने अच्छे से समझो नेक्स्ट टू मिनट्स कहीं नहीं जाना हिलना नहीं है क्लास से अगले दो मिनट इन्हें कहेंगे सीलियरी प्रोसेस क्या कहेंगे जो मैंने टेढ़े टेढ़े बनाए हैं ये जो ऐसे ऐसे बनाए हैं सीलियरी प्रोसेस ब्लू कलर की पेन की तरफ देखो मार्क करो ये जो गोल गोल मसल्स हैं ये है आपकी सर्कुलर मसल्स लिखो मैं हरे कलर पेन से ये जो आपकी लंबी लंबी मसल्स हैं ये है आपकी रेडियल मसल क्या मेरे सारे बच्चों को जिंदगी में आज पहली बार सर्कुलर और रेडियल मसल्स की पोजीशन क्लियर हो गई क्या मेरे सारे बच्चों को सर्कुलर और रेडियल मसल्स की पोजीशन क्लियर हो गई येस और नो ऑन माय स्क्रीन राइट नाउ सीलियरी कोरोइड हैज गॉन अहेड एंड फॉर्म द सीलियरी बॉडी यू नो द सीलियरी प्रोसेस यू नो द सर्कुलर मसल्स एंड यू नो द रेडियल मसल येस और नो ऑन माय स्क्रीन राइट नाउ इट इज नॉट वरी एवरी वन येस और नो ऑन माई स्क्रीन एंड गाइस एवरी वन हुज अंडरस्टूड एक लाइक स्क्रीन पे हो जाए तो ये सबसे बाहर की कवरिंग स्क्लेरा है स्क्लेरा के नीचे कोरोइड है कोरोइड आगे गया बना आपका सीलियरी बॉडी के आगे द प्रोसेसेस जो ऐसे ऐसे हैं जो आपके डायग्राम में दिस इज कॉल्ड द सीलियरी प्रोसेस इन द सीलियरी प्रोसेस हियर यू हैव द सर्कुलर मसल्स जो पार्ट आगे जा रहा है इट इज रेफर टू एज योर रेडियल मसल नाउ बेटा इस सीलियरी प्रोसेस के पीछे सीलियरी प्रोसेस के पीछे एक आपको ब्लू कलर ग्रीन कलर से बना लो सीलियरी प्रोसेस के पीछे 3D में इमेजिन करो आपको ये नजर आ रहा है सीलियरी प्रोसेस के पीछे इन्हें कहा जाता है सस्पेंसरी लिगामेंट विच आर अटैच्ड टू द लेंस से येस और नो मैम बिहाइंड द सीलियरी प्रोसेस कैन यू ऑल सी द सस्पेंसरी लिगामेंट पीछे 3D में इमेजिन करो द सीलियरी बॉडी विल बी टुवर्ड्स द फ्रंट एंड उसके पीछे यू विल हैव द सस्पेंसरी लिगामेंट येस और नो मैम ऑन माई स्क्रीन प्लीज इज दैट क्लियर सबसे इंपॉर्टेंट एम्स लेवल का क्वेश्चन बताती हूं आपको ये जो सीलियरी प्रोसेस है ये आपकी बॉडी में एक्वस ह्यूमर सिक्रीट करता है किसी बुक में नहीं लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखो अभी एमसीक्यू के एक्स्ट्रा पॉइंट में लिखी अपनी बुक में ये जो आपका सीलियरी प्रोसेस है ये एक्वस ह्यूमर सिक्रीट करता है राइट दिस डाउन राइट नाउ इज दैट क्लियर लक्ष्य व्लॉग्स कितना शाउट आउट चाहिए बेटा व्लॉग जी यस aqueous process you have the lens which is bound by the suspensory ligaments you do have the colored process which is called the iris and the aperture jiske through light enter karegi is called the pupil the diameter of the pupil can change according to the accommodation reflex jis pe main aane wali hu and the transparent covering in front which is avascular सामने की ट्रांसपेरेंट कवरिंग जिसके पास कोई भी ब्लड वेसल नहीं है इज रेफर्ड टू एज द कॉर्निया बेटा एक एक चीज चार बार रिपीट कर रही हूं इससे ज्यादा स्लो कैसे बताऊं राइट इज कॉल्ड योर कॉर्निया बेटा ये आपका एंटीरियर चेम्बर है एंटीरियर चेम्बर में एक फ्लूइड है जो आईबॉल को शेप देता है इट मेक्स इट राउंड द शेप इज गिवन बाय द फ्लूइड इन द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर चेम्बर हु सीक्रेट्स द एक्वस फ्लूइड ऑफ द एंटीरियर चेम्बर सीलियरी प्रोसेस ऑन माय स्क्रीन यस मैम
So anterior chamber is filled with aqueous humor. And who is secreting aqueous humor? Ciliary process. Mrunmayji, very much visible. Understood every single one. Done? What is my height? I'm 5'10.5 or rather 5'11.5. I'm very tall. My hands disappear. I don't have a hand. Just kidding. Right, everyone? I was just joking before the class was starting. Just before the class was starting, so I was just joking with my studio ops. Sonia, you know her. So I was just joking with her. I said, meri height itni choti aur meri baal itni lambe, kaale, ghane, sunehre, lambe, baal. And we were laughing our lungs out. So like, meri height itni hai, meri height to itni si hai. But look at my hair, mein to add kar lo koi lambe. Kaale, ghane, sunehre, lambe, baal. Ek bhi curl nahi hai. Dekho, straight. No curls, no frizz. Right? Chalo. Is that clear? Ultra glossy. Somebody was writing ultra glossy. Yes. Ultra glossy. Just kidding. Just be happy with whatever God's given us. Isn't it? Yes, ab mera pair toota to mujhe pata chal raha bhai. It's very difficult. You should be really happy with whatever God gives you. Chaliye. So I hope I've explained this. To aapko retina pata hai, choroid pata hai, aapko sclera pata hai. This is the posterior chamber to make the round ball. The posterior chamber is filled with vitreous humor. Vitreous humor. Is that clear? Yes, everybody. It is filled with vitreous humor. अब बेटा पीछे एक येलो कलर का स्ट्रक्चर होता है उस येलो कलर के स्ट्रक्चर को कहा जाता है मैक्यूला लूटिया इस येलो कलर के स्ट्रक्चर जिसको मैं मैक्यूला लूटिया कहती हूं उसके बीचों बीच देयर इज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड फोविया सेंट्रालिस व्हिच इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ कोन सेल्स एंड देयरफॉर द ब्राइटेस्ट विजन इज फॉर्मड हियर एम आई राइट देयर इज अ स्ट्रक्चर लिटिल बिहाइंड इट व्हिच इज रेफर्ड टू एज द मैक्यूला लूटिया येलो कलर व्हिच हैज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड द फोविया सेंट्रालिस व्हिच इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्रीगेशन ऑफ द कोन सेल्स एंड देयरफॉर इट फॉर्म्स द ब्राइटेस्ट इमेज इज दैट clear right one more thing this point where the optic nerve enters and divides into two you do not have any photosensitivity so this point could also be called the black spot or the dark spot where no image is going to be formed in the eye the blood vessel of the retina is a end vessel that means blood vessel of the retina ki aage jaake bahut branches nahi banti hain therefore if the blood vessel of the retina is damaged the person is not able to see in the comment section you have to tell me no sonia is not my daughter right sonia is somebody who helps me with my office work is that clear she's not my daughter any which ways so what do I have to say Yup. What do I have to say? You have to, in the comment section of today's lecture, tell me what is the next topic you want. Right, everyone? Thanks, Abhishek. Is that clear? Menti bhi hoga, beta. Kyun nahi hoga? Chaliye. So let's try and finish this up first. Let's move ahead. The human eye is elongated sphere hai, elongated. Aage peeche ko thoda sa elongated hai. How many coats does it have? It has three coats. Sclera, choroid, retina. Opaque, right, white colored and fibrous for protection is your sclera, MCQ. Sclera jo hai, wo posterior of the eye ko cover karega, conjunctiva, saamne ke exposed surface ko cover karega. Sclera jo hai, wo inside of the eyelids ko cover karega. सामने की तरफ ये देखो सामने की तरफ स्क्लेरा जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है ताकि लाइट आए तो अगर पीछे की साइड स्क्लेरा कहते हैं तो सामने की तरफ उसको कॉर्निया कहा जाता है बिकॉज अगर सामने भी आपने फाइब्रस स्क्लेरा बना दिया तो लाइट विल नॉट बी एबल टू एंटर तो सामने कहा जाएगा कॉर्निया इज दैट क्लियर सामने की तरफ उसको कॉर्निया कहा जाएगा पीछे की तरफ उसको स्क्लेरा कहा जाएगा इज दैट क्लियर यस सो एवरीवन चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस बायोटॉनिक योर चैनल मेक श्योर यू लाइकिंग शेयरिंग सब्सक्राइब
स्ट्रेंथ कोरोइड. अब देखो इसको फाड़ा हुआ है, कैसे इसको निकाला हुआ है. जो ये वैस्कुलर लेयर है सबसे पीछे स्क्लेरा, तो जो मिडल है डार्क ब्राउन है और ब्लड वेसल्स है, इसीलिए बन गई वैस्कुलर. यस और नो ऑन माय स्क्रीन्स प्लीज. बायोमॉलिक्यूल्स अभिषेक हम हाई 110% कराएंगे, आप डाउट मत रखो. टेंशन नॉट, मैं ऐसा बायोमॉलिक्यूल रट्टे मरवा दूंगी आपको टेंशन लेने की नहीं है. बायोटोनियंस टेंशन क्या करनी है, बायोटोनियंस देने की है. यस बायोटॉनिक में आ गए हो तो यार मतलब टेंशन नहीं लेनी, पक्का प्रॉमिस डन. मतलब फील करना है यार कि मुझे सब कुछ आता है, बायोटोनियंस ने टेंशन देनी है लेनी नहीं है, प्रॉमिस राइट. बायोमॉलिक्यूल्स करा दूंगी डाइजेशन, टेंशन नहीं देनी, नहीं लेनी, नहीं लेनी टेंशन. तो आपको ऐसे करना है यार, मुझे एक बार कॉमेंट सेक्शन में लिख दिया तो वाणी मैम वो चैप्टर आपको करवा देगी. टेंशन नॉट डन, चले परफेक्ट. सारी की सारी थ्योरी कर लेते हैं यार, मतलब फील आ जानी चाहिए कि हम कोई तो थ्योरी मचा रहे हैं एकदम सॉलिड वाला. फ्रंट ऑफ द आई द कोरोइड बिकम्स द आयरिस, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड. तो बेटा यहां मैं लिख देती हूँ बैक और यहां लिख देती हूँ फ्रंट. तो बैक में क्या था बेटा आपका, बैक में था आपका स्क्लेरा और फ्रंट में बन गया आपका कॉर्निया. तो बैक में आपका कोरोइड और फ्रंट में वो क्या बन गया, आयरिस. इट रेगुलेट्स द साइज ऑफ द प्यूपल अलोंग विद प्यूपल रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट. लेंस लाइज डायरेक्टली बिहाइंड द प्यूपल. सो मैं क्या प्यूपल को एक तरह का अपर्चर कह दू, ओपनिंग कह दू, जिसको रेगुलेट करना है और लेंस बिल्कुल उसके पीछे है. Is that clear, everyone? So front of the eyes, the choroid becomes the iris, which regulates the size of the pupil. And iris is also the colored portion of the eye. Is that clear? So beta, can you see in this diagram? This opening is called the pupil, the aperture. Can you see this opening, please, everyone? Can all my kids see this opening? And this portion, jo iske upar niche hai. This particular portion which is above and this particular portion which is below is referred to as the iris. So now let's come to pupillary dilation and constriction. Ye to maine bachpan mein kiya hua, I'm 110% sure all of you have done it. You stand in front of a mirror, you take a tube light in your hand and throw it in your eye. When you increase the light, you will see your pupil dilate. When you remove the tube light, you will see your, increase the light, your pupil will come down constricted. When you remove it, it's going to dilate. Have you done it? Agar koi animal hai, uski aankhon pe light maarte ho, so for some time it just increases. You've done this, right? Legit? Right? With the torch, we've all done this experiment? Absolutely. So when you increase the amount of light, the pupil is going to constrict. Right, this is also what happens during daytime, and the time that it takes to constrict or to dilate for the right image to be formed is referred to as the accommodation reflex. Right, and when you decrease the amount of light, it dilates. Why does it dilate? Because light come here, so it dilates, it becomes big, there is less light, so that more light can enter. Did you understand? More light should enter. For more light to enter so that you can form the image. Is that clear, every single one on my screens, please? Bright light stimulates the circular muscles. Kya maine aapko do muscles karai thi, radial muscle, circular muscle. Kya maine aapko aaj pehli baar dono muscles dikhai hai, kahan hoti hai? Do you remember I showed you where are the muscles? Kitne bachcho ko yaad hai? Batao mujhe, maine aapko dikhaya muscles kahan hoti hai. तो सर्कुलर, जब लाइट बढ़ गई है, व्हेन द लाइट हैज इंक्रीज, सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं. सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड कंस्ट्रिक्शन. कैन यू रिमेंबर सी क्यूब प्लीज, कैन यू रिमेंबर? मैं तो ऐसे ही याद करती थी सी क्यूब. सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कंस्ट्रिक्ट करेगा. और कब होगा सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट और क्रिस्प और कंस्ट्रिक्ट? जब लाइट कम नहीं बढ़ेगी. इज दैट क्लियर? लाइट कम हुई है, डिम लाइट, रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड प्यूपिल विल डायलेट. रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट, प्यूपिल विल डायलेट. डन. मैं कुछ लिखने वाली हूं. ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में हेल्प करेगा.
क्रिकेट रॉयल चैलेंजर्स इन दिल्ली, क्रिकेट रॉयल चैलेंजर्स इन दिल्ली, याद रहेगा? रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड डायलेशन, सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट, प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट, प्यूपिल डायलेट. क्रिकेट रॉयल चैलेंजर्स इन दिल्ली. विल यू बी एबल टू रिमेंबर दिस? याद रहेगा मेरे सारे बच्चों को? क्रिकेट रॉयल चैलेंजर्स इन दिल्ली, सीसीसी आरसीडी. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. मैंने अभी बनाए, दो मिनट हुए. राइट, आई जस्ट मेड इट फॉर यू. सीसीसी क्रिकेट रॉयल चैलेंजर्स इन दिल्ली, वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये देखिए बेटा, जो मसल्स इस टाइप से लगी हैं, वो आपकी रेडियल मसल है, जो ऐसे हैं. यस, क्रिकेट सर्कुलर मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट, राइट, ड्यूरिंग कंस्ट्रिक्शन. तो देखिए सर्कुलर मसल ऐसे होंगे ना, सर्कुलर मसल ऐसे तो कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, देखो ऐसे, राइट. एंड इसमें क्या हुआ आपका, ये देखो. ओ गॉड, व्हाट हैपेंड, कहां आ गए हम? ये कहां आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते भाई, चल पड़ कुछ भी. यस, सो यू कैन सी दिस, राइट एवरीवन. यहां पे आपकी रेडियल मसल्स हैं, सर्कुलर मसल्स नहीं, सर्कुलर अरेंज स्मूथ मसल फाइबर्स ऑफ द आईरिस, ऐसे रेडियल अरेंज मसल्स, आरसीडी, रेडियल कंस्ट्रिक्ट फॉर डायलेशन, सीसीसी आरसीडी. लेट मी डू इट वन लास्ट टाइम विद यू. सीसीसी आरसीडी, फील आ गई? चलें आगे, डन बेटा. टेस्ट होने वाला है परसों, पूरा रट्टे मार लो. रेटिना, लोकेटेड इन द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, रेटिना के पास फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं. फोटो रिसेप्टर सेल दो तरह के होते हैं, रॉड्स एंड कॉन्स. डिम लाइट में रॉड्स आते हैं जो रोडोप्सिन है, जो विटामिन ए रेटिनाल से बने हैं, एल्डिहाइड, और आपके कॉन्स हैं. फोटो रिसेप्टर सेल दो होते हैं, रॉड्स एंड कॉन्स. मैंने क्या आपको मैक्युला लुटिया के फोविया सेंट्रालिस के बारे में बताया, जहां पे सबसे ज्यादा डेंसली पैक्ड कॉन्स होंगे, एंड जहां से ऑप्टिक नर्व एग्जिट होती है, जहां से ऑप्टिक नर्व एग्जिट होती है, एग्जिट करती है, वहां पे रॉड्स एंड कॉन्स नहीं होते, इसलिए उसको ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है. सो डू यू नो अबाउट, यस, मैक्युला लुटिया, फोविया सेंट्रालिस एंड ब्लैक स्पॉट? यस मैम, परफेक्ट, डन. यस, आपको ब्लैक स्पॉट पता है, आपको ब्लाइंड स्पॉट पता है, उसको ब्लैक स्पॉट भी कहते हैं कई बार पुरानी टर्मिनोलॉजी में, ब्लाइंड स्पॉट पता है आपको. यस, रॉड्स एंड कॉन्स पता है, और आपको बहुत अच्छे से मैंने फोविया सेंट्रालिस के बारे में बताया. कैन यू सी नाउ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू. सो लाइट आ रही है, नाउ दे आर गोइंग टू द ऑप्टिक नर्व, राइट. गैंग्लियन सेल लेयर, bipolar cell layer. बेटा, can you see the middle layer is bipolar? Very important MCQ. Very important. क्या आपको दिखाई दे रहा है? ये देखो, इसके दोनों poles हैं. मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ. देखो, can you see? देखो, दिख रहा है मेरे बच्चों को? ये optic nerve की तरफ जा रहा है, to the optic nerve. And optic nerve में optic chiasmata होगा, इसलिए उल्टी में straight हो जाएगी. Right, which will go to the occipital lobe of the brain. Occipital lobe of the brain. Did you understand this? So you have choroid, rod cell and cone cell layer. The middle portion is always made up of the bipolar cell layer. And you have the ganglion cell layer. These are two which often come into the MCQ questions along with the lobe. The occipital lobe. Beta anamika, it's not blur. Bipolar cells to bahut baar exam mein aate hain. And guys, have you all become a part of V-Biotonic? Pakka wala promise. Every single one. You've all become a part of V-Biotonic. Chale phir. Photoreceptors. Do tarah ke photoreceptors hote hain beta. Rod cell and cone cell. Beta, kya aapko dikhai de raha hai? One second. Chasm of vision पे तो मैं आने वाली हूँ. मेरे बच्चों को दिखाई दे रहा है कोन सेल की शेप और रॉड सेल की शेप. ये कोनिकल है, इसीलिए इसका नाम कोन रखा है. Can you see this little conical portion? मैं ब्लैक कलर पेन से लिखती हूँ. अगर कभी आपको डिफरेंशिएट करने को आए, मेरे बच्चे कर लेंगे डिफरेंशिएट, ये स्लाइटली कोनिकल है, राइट बच्चों? यस और नो, यस और नो, राइट. इसके बाद तो हमने फटाफट
नोज करवाना है, नोज की नर्व्स तो बहुत आती है. नेक्स्ट 4-5 मिनट्स वी विल बी डन. द ह्यूमन रेटिना कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ फोटोरिसेप्टर्स, जो डिम लाइट, डार्क. दिस इज अ एमसीक्यू क्वेश्चन. दे आर योर रोडोप्सिन वाले रॉड्स, रेटिना, विटामिन ए, रोडोप्सिन. Distinguish between shades of grey, not color. MCQ. इनके पास होता है रोडोप्सिन. MCQ. Bright light cones. MCQ. Color blindness. You have the cones. Red green color blindness. Nothing happens to the rods. Blue, red and green. Red green color blindness. Most important. Sex link. Yes. Blue, red and green. Is that clear, everyone? Conical portion. Right? और synaptic vesicles होते हैं जहां से वो release करते हैं neurotransmitters. तो मेरे बच्चों, जब light focus होती है on the retina through cornea, तो वहां पर generate होता है action potential in rods and cones. MCQ. Very important. आपका photopigment, this is very important जो मैं बता रही हूँ. आप 2 मिनट ध्यान दे दो. No typing, nothing doing, right? ये आपका बहुत important और एक बहुत tricky MCQ बन सकता है. I'm sure आज से पहले आपने ये नहीं पढ़ा है. 2 मिनट ध्यान दे दो. शांति और ध्यान. Windrow. जो photo pigments होते हैं, जिनके पास rhodopsin और retinal होता है, ये जैसे ही इन पे लाइट पड़ती है, रोडोप्सिन और रेटिनाल पे, ये लाइट पड़ते ही ब्रेक हो जाते हैं इनटू ऑप्सिन एंड रेटिनाल. आई रिपीट, जैसे ही लाइट पड़ेगी, दे आर गोइंग टू ब्रेक डाउन इनटू ऑप्सिन एंड रेटिनाल बिकॉज ऑफ लाइट. इस चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्सिन की वजह से परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन चेंज होती है. मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी चेंज होना ही एक्शन पोटेंशियल कहलाता है. सो ऑप्सिन एंड रेटिनाल जुड़े हुए हैं. पॉइंट नंबर 1, ऑप्सिन एंड रेटिनाल जुड़े हुए हैं. जैसे ही लाइट पड़ती है, ऑप्सिन एंड रेटिनाल चेंज होते हैं. इस स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चरल चेंज, मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी चेंज होती है. चेंज इन द परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन इज योर एक्शन पोटेंशियल. Action potential is generated, which produces a signal that generates action potential in the ganglion cells. And that action potential in the ganglion cells is happening through bipolar cells. Ye action potential optic nerve se hota hua occipital lobe तक पहुंचता है, right? Visual cortex तक पहुंचता है, जहां पर एक इमेज फॉर्म होकर रिकॉग्नाइज किया जाता है. इज दैट क्लियर? ये ब्रेन पे जा रहा है. सो ये है आपके बेटा फोटो सेंसिटिव सेल्स. ये दिख रहे हैं आपको फोटो सेंसिटिव रॉड्स एंड कॉन्स. देखो ये कोनिकल कॉन्स. देखो कितना प्यारा डायग्राम है कॉन्स. ये देखो, और ये रॉड्स दिख गए आपको. तो ये इनका जैसे स्ट्रक्चर चेंज होगा, बाइपोलर सेल्स, गैंग्लियन सेल्स, नर्व. तो ये रॉड्स एंड कॉन्स, दे विल गो टू द बाइपोलर सेल्स व्हिच विल गो टू द गैंग्लियन सेल्स व्हिच विल गो टू द ऑप्टिक नर्व. सो जैसे ही लाइट पड़ेगी, लाइट इज गोइंग टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द रॉड्स एंड कॉन्स. इट्स गोइंग टू ब्रेक द ऑप्सिन एंड द रेटिनाल व्हिच विल ब्रिंग अ चेंज इन द बाइपोलर सेल्स. राइट, देखिए एक बार दोबारा समझा रही हूं मेरे बच्चों. जैसे ही लाइट पड़ेगी, इट विल चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप्सिन एंड द रेटिनाल. राइट एवरीवन, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी चेंज होगी. इट विल गो टू द बाइपोलर न्यूरॉन्स, इट विल गो टू द गैंग्लियन सेल्स व्हिच विल गो टू द न्यूरॉन. डिड यू अंडरस्टैंड गाइस? आपका फोन एक बार देखो बेटा. प्लीज सी योर फोन वंस, सी वेदर योर कनेक्शन इज गुड और नॉट. गॉट इट ब्रो? बेटा ब्लर नहीं है. डिड यू अंडरस्टैंड दिस एवरीवन? दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. And I want all of you to become a part of me, Biotonic, like right now. This should be your personal channel now. Yes? Perfect. Increase the video quality, guys. Just go there and increase the video quality. Amazing.
sense of smell. So let us do one thing now. Now that we've already done it for 50 minutes, let's do the sense of smell in tomorrow's lecture. What's it? This is how I teach in my regular sessions. Right? Kal vaise bhi maine aapko aaj eye karai, kal maine aapko ear, nose and tongue karaungi. How would that be? Right? Guys, quality ko 720p kar do, you will have absolutely no problems at all. But guys, now that we are doing so well in our physics and chemistry and we are absolutely rocking your factory cells wagera, next level amazing tarah se main aapko padhane wali hu, you are going to be super amazing. Schneiderian membrane pe kitne questions aate hain. Guys, make sure ki aap physics chemistry mein bhi same performance le aao. Will you do that for me? Ab ek bhi lecture miss nahi karna hai. Done. Guys, physics chemistry mein bhi same performance le aao. We've got the best offer for you. 11th puri revise ho jayegi ek mahine mein. Don't miss this offer, guys. इसका जो लिंक है वो मैंने सब्सक्रिप्शन बॉक्स पे डाल दिया है. डोंट मिस दिस ऑफर. एक महीने के लिए अप्रैल 15 से पहले, अप्रैल 15 को मैं आपका क्लास 12 स्टार्ट करा दूंगी. उससे पहले हमने चक दे फट्टे कर देने पूरे का पूरा 11th रिवाइज करवा देना. डन गाइस. यस, फुल 11th अनलिमिटेड ऑफर है. मेरे पास कम से कम 50 फिजिक्स के टीचर्स हैं और 50 केमिस्ट्री के टीचर्स हैं जो दिन में 50-50 लेक्चर्स चल रहे होते हैं. ज्वाइन एनी लेक्चर. मैं आपको एक बार जाने से पहले दिखा देती हूँ. बेटा मेंटी जो है ना वो है आज. अरे आज भी मेंटी है. वाह. बट मेंटी आई थिंक वी विल डू ओनली वन मेंटी जो हम परसों करेंगे. गाइस वी आर गोइंग टू बी डूइंग इट डे आफ्टर टुमारो. राइट. जब हम सारा मेंटी एक साथ करेंगे. सो आप 11th की यहां चले जाइएगा. नीट यूजी 2022. राइट. एंड यहां पर प्रोसीड टू पे और कोड डाल दीजिएगा वीटी प्रो. और स्पेशली जो मेरे क्रैश कोर्स के बच्चे, कितने बच्चे मेरे 11th 12th एंड 13th वाले, सेपरेटली कमेंट कर दीजिएगा. क्रैश कोर्स वाले स्टूडेंट्स डोंट मिस दिस गाइस. बायो मैं आपके एक महीने में पूरा 11th रिवाइज करा दूंगी. 12th के कॉन्सेप्ट भी मैंने शुरू करवा दिए. लास्ट लैप रिविजन 12th कॉन्सेप्ट का भी. बट गाइस फिजिक्स केमिस्ट्री रगड़ दो इस साल, नहीं जाने देना. कोड लगा लो, वीडी मीट कर दो अप्लाई और आ जाओ क्लास में. राइट. द क्रैश कोर्स इज समथिंग विच यू नेवर सीन बिफोर. मैं आपको 120 सेशंस में पूरा थ्योरी करवा दूंगी. 2 hours के सेशंस पढ़ते हैं लाइक 25-30 रुपए दिन का गाइस. फॉर द टोटल थ्योरी 20 टेस्ट, अनलिमिटेड डाउट्स, फुल एक्सेस टू ऑल आवर क्लासेस. दिस इज गोइंग टू बी सुपर अमेजिंग. डोंट मिस इट. फिजिक्स केमिस्ट्री आप पढ़ो, बायो में आपको पढ़ाऊंगी. डन. यस, मेंटी इज गोइंग टू बी ऑन डे आफ्टर टुमारो. कल क्लास शुरू होने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मेंटी कराती हूँ. वी स्टार्ट विद मेंटी. डन दैट मेंटी टुमारो मॉर्निंग व्हेन वी स्टार्ट. बाय गाइस, सी यू इन टुमारोस सेशन. डोंट फॉरगेट टू बिकम अ पार्ट ऑफ वी बायोटॉनिक. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय गाइस.